हेलो एक्सेंट, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त 2022 से, उस बैच के क्या कुछ फीचर्स हैं और किन किन एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए तमाम बैच ये बैच शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बेसिक बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या कराया जाएगा, तो 9 से 10 इस बैच की टाइमिंग जो रखा गया वो जीके जीएस का है, और जीके जीएस के लेक्चर में पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कक्षा मतलब इसकी क्लास से ये कक्षा स्टार्ट होगी। इस क्लास का जो लेवल होगा आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के पीटी लेवल के क्वेश्चंस, इसके साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी और मेंस के लेवल के तमाम चीज़ें, साथ ही साथ अदर स्टेट पीएससी, आप दरोगा के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, ये जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं इनको टारगेट करते हुए एक डिटेल क्लास आपको पॉलिटी का ये मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, इन तमाम चीज़ों का निचोड़ मतलब आपके इस क्लास में सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी के बेसिक बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या बीपीएससी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बैच भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके माध्यम से एक पूरा पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, और इसी कंसेप्ट के माध्यम से फिर जो मेरा नेक्स्ट लेवल का क्लास होता है जो फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता है, वो मतलब समझने के लिए आपके दिमाग उतना शार्प हो जाएगा कि सारी चीज़ों को समझने में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस बैच के साथ मान लीजिए आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो इस बैच के साथ साथ आपको एक फ़ायदा होगा कि एक तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, इसके साथ साथ एनसीईआरटी और ये तमाम चीज़ें ये भी इसमें क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद से फिर आपका थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग भी इसमें हम कराते चलेंगे, और एनसीईआरटी के में जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया है उनको आगे कराते हुए इस बैच को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप पॉलिटी कहीं पढ़ रहे हो या पढ़ भी लिए हो तो आप बैच को ज्वाइन करके देखें, एक काफ़ी एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लास आगे बढ़ेगी। 10 बजे से इसी कक्षा के कंटिन्यूस में मैथ की क्लासेज हैं जो अल्टरनेट मैथ रीजनिंग करके चलती है। इस क्लास को हमारे मैथ के एक दूसरे फैकल्टी, आपको पता है मैथ की क्लास एक शिवाजी सर भी लेते हैं, तो उनके टाइम इंगेज होने के कारण इस मैथ के क्लास को रोशन सर, जो सुबह 6 बजे मैथ की क्लास लेते हैं, उनके द्वारा ये मैथ का क्लास लिया जाएगा। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एक युवा टीचर हैं, अपना इन्होंने पढ़ाई खुद दिल्ली से किया है, और काफ़ी सारी मतलब वो टीचर्स क्या मैथमेटिक्स का वीडियो वगैरह मतलब तमाम चीज़ें करने के पश्चात इनका एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का। जो सुबह 6 बजे बैच इनका चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है बच्चों का, तो मैथ के क्लास को एक नए लेवल पे नए ट्रिक के साथ कंसेप्ट को समझते हुए नए ट्रिक के साथ और थोड़ा सा हाई लेवल पे ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को और बढ़िया से आप समझना चाहते हैं तो ज़रूर उस मैथ के क्लास को भी ज्वाइन करें। मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि गोपालगंज से ऊपर लेवल का आपको सारी चीज़ें ये मैथ और रेसलिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माना कि एक्स ये तो बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक नए लेवल के मैथ और ट्रिक्स के साथ दिए गए गिवन टाइम पीरियड में, जैसे एसएससी और तमाम चीज़ों में मैथ का क्वेश्चंस पूछता है, और कम समय में किस प्रकार से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये तमाम क्वालिटी के साथ ये बैच कल से शुरू हो रहा है। ज़रूर आप इस बैच को ज्वाइन करें एक अच्छे फीलिंग्स के साथ, और मेरा उम्मीद है कि इस बैच में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे क्लास बढ़ेगी। ओके, तो यही आपको सूचना देना था इस वीडियो के माध्यम से। तो कल 9 से 11 ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह जीके जीएस का क्लास है और फिर 10 बजे से मैथ का क्लास है। बीपीएससी के फाउंडेशन बैच के भी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आपका मैथ वीक है तो आप कृपया इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे आपको डीआई का जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आता है, जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसको समझने या फिर 10 क्वेश्चन पिट्टी में आता है उसको समझने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और मैथ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बैच भी आपके लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी होगा। ओके, धन्यवाद, यही आपको सूचना देनी थी, मिलते हैं कल के इस क्लास में।